हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को भाग विधि के द्वारा मासा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 100 तथा 225 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं अगली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिन लोगों को ना मालूम हो वो लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है 100 तथा 225 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे, पहले आप लिख लेंगे। इसमें देखिए 100 तथा 225 में कौन सबसे बड़ा है, तो 225 सबसे बड़ा है, यानी 100 से बड़ा है 225 ना, तो यहाँ पर आपको 225 लिख लेना है। कितना? 225। बोला है भाग विधि से मासा ज्ञात करना है, तो भाग का चिन्ह इस तरह से आप लगा देंगे। इसी तरह ना भाग का चिन्ह होता है, ऊपर ऐसे लगा रहता है, उसको आप मत लगाइए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 100, लगा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर 225 है, तो 225 पहले लिखिए, वो सबसे बड़ा था। इसके बाद 100 से इसमें भाग देना है, यानी 225 में 100 से भाग देना है। अगर दो बार आप लेके जाएंगे तो 100 दुना 200 हो जाएगा। अगर तीन बार लेके चले जाते तो 225 से ज़्यादा हो जाता, तो हमें 225 से कम या 225 तक ही ले जाना होता है। तो जब दो बार लेके जाएंगे तो 200 हो गया, तो आपको घटा लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 में से 2 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसको आप रहने दीजिए लिखने को, कष्ट ना करें 0 लिखने का। फिर देखिए यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर 100 है, तो फिर एक भाग का चिन्ह बनाएंगे, जिस तरह भाग का ब्रैकेट होता है। इस जो 100 यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस 100 को यहाँ पर लिख लीजिए, बड़े आराम से लिख लीजिए। स्टेप वाइज बताता चल रहा हूँ, आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाग सभी को करने आता है। इसमें भाग के द्वारा ही क्या निकालना है, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौके होता है 100, चार बार जाएगा, 25 चौके 100 यहाँ पर आप लिख लीजिए। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 लिख दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, एक में से एक घटाएंगे 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर 0 लिख देते तो ये दिखने में लगता 0 2 5, तो यानी हो जाता 0 और 25, तो शायद आप लोगों को थोड़ा परेशानी होता, इसीलिए मैं बोला। तो जो देखिए, जब यहाँ पर नीचे 0 0 आ जाए, तो जो जिस संख्या से आप भाग दिए हैं, 25 से भाग दिए हैं 100 में, तो यहाँ पर 0 0 आया, तो यही जो 25 होगा ना, यही हम लोगों का मासा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 तथा 225 का मासा कितना होगा, 25। हमारा यही क्या है, उत्तर है। 25 हमारा क्या होगा, मासा होगा। इसी को इंग्लिश वाले बोलते हैं HCF, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि 100 तथा 225 का मासा भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जिन भाइयों को डाउट हो उनके लिए मैं एक प्रश्न और नीचे लिखा हूँ, तो वो लोग देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जितने प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे ना, उतनी अच्छी पकड़ आपकी मैथ में होगी, उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। तो प्रश्नों से आप डरिए मत। अगर आप इन्हीं तरह के प्रश्न एक दिन में 25 बार लगाते हैं, 15 बार लगाते हैं या 25 बार लगाते हैं, तो सोचिए आपका कैलकुलेशन कितना तेज हो जाएगा। लेकिन यही बच्चे करते हैं जो लोग तेज होते हैं, जो लोग थोड़े मीडियम में होते हैं, वो लोग सोचते हैं यार कैसे ये इतना आराम से बता देता, हमको तो आता ही नहीं है। तो आपको कैसे आएगा भैया, आप उसके कितना मेहनत नहीं कर रहे हो, बस आप देखते हो कि भाई वो तेज है, वो मेरा दोस्त है, वो तेज है, हमें नहीं आ रहा है, तो इसी में आप परेशान रहते हो। लेकिन आप परेशानी का हल नहीं ढूंढते हो, आप सवाल को लगाइए ना, आपको कोई मार्गदर्शन देता है कि बेटा इस तरह से क्या मासा निकलता है। देखिए यहाँ पर मैं बताया कि इस तरह से मासा निकलता है, मैं आपको बहुत करूँगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, लेकिन आपको तब आएगा जब इस तरह के प्रश्न आप 10-15 बार करेंगे, यानी 10-15 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है आपका, 125
360 तथा 525 का क्या निकालना है, मासा निकालना है और भाग विधि के द्वारा निकालना है। तो आप पहले मैं आपको क्या बताया कि 125 यहाँ पर देखिए तो तीन संख्या आपको दिख रहा है 125, 360 और 525। ऊपर वाले में तो मैं दो ही का बताया, तो यहाँ पर दो पहले लीजिए 125 और 360, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है तो 360 है। इसको आप बड़े आराम से यहाँ पर लिख लीजिए, इतना आराम से लिख लीजिए आप। अब इसके बाद कौन है 125 है, तो 360 में 125 से क्या देना है भाग, तो यहाँ पर 125 लिख दीजिए। अब जब 125 से भाग देंगे 360 में तो दो बार लेके जाना है, अगर तीन बार लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा, यानी 360 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दो बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 250, यानी जब हम 125 में दो से गुणा करेंगे तो 250 आएगा। अब जब हम जीरो में से जीरो गया जीरो, छः में से पाँच गया एक, तीन में से दो गया एक, ये तो हमारा 110 हो गया। अब देखिए जीरो जीरो तो नीचे आया नहीं है, अगर जीरो जीरो आ जाता तो यही हमारा मासा हो जाता, लेकिन जीरो देखिए यहाँ पर ये जीरो देख के मत समझिएगा कि जीरो आ गया है। जब यहाँ पर सभी जीरो आ जाएं, यानी इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो ये कट पीट कर जीरो आ जाए, वो बात मैं कर रहा हूँ। अब 110 आया है तो 110 आया है तो यहाँ पर भाग का ब्रैकेट बनाइए, 125 जो यहाँ पर दिख रहा है ना इसको बड़े आराम से यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको 110 यानी 110 से भाग देना है 125 में, तो कितनी बार बार जाएगा, एक बार जाएगा। अरे ये 110 है ये 125 है, तो एक बार दो बार लेकर जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जब लेकर जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110, बड़े आराम से लिख दीजिए 110। अब जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर दो में से एक गया एक, फिर यहाँ पर एक में से एक गया जीरो, तो इसे लिखने का आप कष्ट नहीं करेंगे। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, 15 आ गया है तो यहाँ पर अभी भी जीरो नहीं आया है, तो फिर भाग का ब्रैकेट लगाएंगे, क्या भाग का। अब ये जो 110 है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, बड़े आराम से लिख लेंगे। अब देखिए जब हम 15 में 110 15 से 110 में भाग लेके जाएंगे तो 15 सत्ते लेके जाना पड़ेगा, 15 सत्ते होगा 105, अगर अट्ठे लेके चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 15 सत्ते 105 लेके जाएंगे। फिर जब हम घटाएंगे ना तो यहाँ पर हमें एक उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो जब एक उधार ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10, जीरो जो है ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये तो सभी लोगों को आता होगा। यहाँ पर जीरो अब बच गया, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो। अभी भी देखिए यहाँ पर एक जीरो था तो ये एक उसको उधार दे दिया तो ये बन गया 10, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पर बचा जीरो, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, इसे आप लिखने का कष्ट ना करें। एक में से एक गया जीरो तो इसको भी आप लिखने का कष्ट ना करें। अब देखिए मेरा पन्ना तो कम पड़ गया, चलो नीचे पन्ना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, फिर आप क्या करेंगे भाग का ब्रैकेट लगा लेंगे, भाग का ब्रैकेट। अब यहाँ पर 15 आपको दिख रहा है ना, इस 15 को यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया मैं। अब भाग देना है तो 5 तिहाई कितना होता है 15, ये तो सभी को लोगों को मालूम होगा कि 5 तिहाई 15 होता है। तो जब 15 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए पूरी तरह से क्या होगा, नीचे जीरो आ गया है, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये 125 और 360 का तो मासा है, लेकिन हमें 3 का निकालना है, 125, 360 तथा 525। तो ये देखिए 2 का तो निकल गया, अब हमें 1 का निकालना है, बहुत ही प्रेम से समझिए तभी आपको समझ में आएगा, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए। अब देखिए ये जो 5 है इसको बड़े आराम से यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लिया मैं, बड़े आराम से लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 525 है ना इसको यहाँ पर लिख देना है 525। अब हमें 5 से भाग देना है, किस में, 525 में। तो देखिए 5 1 5 लेके जाएंगे तो 5 1 5, 5 में से 5 गया 0, तो 0 आ गया है ना, इसको चाहे तो आप लिखिए या चाहे मत लिखिए, अब लिखने की बारी है तो लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको उतारना पड़ेगा 2, तो जब हम यहाँ पर 2 उतार लेंगे तो 5 में 2, 2 में 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर अब ये 5 दिख रहा है ना, अब इसको यहाँ पर उतार लेंगे, बड़े आराम से उतार लेंगे और उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 दिख रहा है और यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5 5 कितना होता है,
25 होता है। तो जब घटाएंगे तो कहा जाएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कट पिट कर 0 आ गया। तो मैं आपको बताया जब कट पिट कर 0 आ गया तो जिस वजह से 0 आया है वही हमारा यह CF होगा। तो 525 में हमने 5 से भाग दिया तो 5 की वजह से 0 आया है ना, तो यही हमारा क्या होगा, जो 5 होगा यही हमारा मासा होगा। क्या होगा? मासा। मासा बराबर कितना? 5। अगर कोई पूछे 125, 360 तथा 525 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से ज्ञात करेंगे और लास्ट में जब भाग देंगे तो आ जाएगा 5, यही हमारा मासा हो जाएगा 5। हम उसे बता देंगे कि भाई साहब 125, 360 तथा 525 का मासा 5 है, हमारा उत्तर सही है, आप इसे गलत नहीं कर सकते। तो देखिए आपका सवाल भी सही हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही आराम से बताया हूँ, ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं किया हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जा रहा है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आज मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, आप अभी अपनी आप बुक खोलिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हों, उनको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए ना, हम उसको वीडियो बनाएंगे, कैसे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को यार लाइक करना मत भूलिया करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।